तुम ये क्या कर रहे थे बाबू? हाँ ये सब कहाँ है? सपनम जी थोड़ी है। अच्छा सुनो, हम सुने हैं कि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है। एक बात कान खोल के सुन लो, वो रोशनी डायन को ना हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अरे वो डायन हमको भी पसंद नहीं है माई। जो डायन आपको पसंद नहीं है, वो डायन हमको कैसे पसंद हो सकती है? अरे हम उस डायन की नहीं, इस डायन की बात, हमारी डार्लिंग की बात कर रहे थे हम। अच्छा हम उस कुलक्षणी की नहीं, अच्छा इस सुशील संस्कारी सुलझी हुई लड़की की बात कर रहे थे। ये बनेगी आपकी बहू। अच्छा ये सुशील साड़ी है। हाँ, और संस्कारी भी भारी है। जरा देखें तो। हाँ? हाँ? बहुत संस्कारी है ये। कौन से संस्कार है कि हमारे बेटे को ऐसे खींच के तुम उसको अचार बनाने का नुस्खा समझा रही थी का? का कर रही थी का? हमको नहीं पता कि ये सब करने से खुद ही अचार खाने का नौबत आ जाता है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। अरे 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 रुक 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 रुक, ऐसे कैसे छू रही हो? हाँ जरा जरा अच्छे से पल्लू वल्लू ढक के पैर छुओ हमरे। हाँ बिल्कुल बहू के जैसे। अरे वाह, अरे दे 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 जीत। हाय दिया, ये तो बड़ी नाजुक है। डेलिकेट एकदम। इसको तो हमरा बहू बनने के लिए बहुत दमदार होना पड़ेगा। इसको कम से कम 2-4 किलो दूध, बादाम, मेवा ये सब खिलाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे तुमरा 4-5 बच्चा अपने पेट में रखेगी? माय कैसी बात कर रही हो, 4-5 बच्चा एक ही बार में थोड़ी होगा। अरे तो हम एक बार में थोड़ी ना कह रहे, वन बाई वन। अच्छा कोनो बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब हम इसको अपनी बहू बनाने के लिए एकदम तैयार कर देंगे। हाँ तुम सुंदरी पांडे की बहू बनने के लिए तैयार हो जाओ। ले बातों बातों में हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए। ए भौरिया, वो ना मेरे दरवाजे पे ना हमारा बक्सा रखा है, उसको उठा कर ले आओ। और सुनो, वॉचमैन को कुछ पैसा भी दे देना। कहा है ना कि हम वॉचमैन से पैसा उधार मांग के टैक्सी वाले को दिए, तो अब उसको वापस करना पड़ेगा ना। और कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मैं जाऊं? हाँ। अच्छा हम जरा घूम घाम के आते हैं, बाहर जाते हैं। अरे एकदम सुंदरी के साथ सुंदरी पांडे। शबनम अब शुरू हुआ ना असली खेल। अगर तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन ना खिसका दी ना, तो मैं अभी पटेल खानदान का चमाई राजा नहीं, खून के आंसू रुलाऊंगा तुमको। कपड़ा धुलाई में नाजुक कलाई। बढ़िया है, बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे खानदानी पैसा है। बढ़िया है। देखिए शबनम जी, हम जानते हैं कि इतनी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब माई को खुश भी तो करना है, थोड़ी बुजुर्ग है। और दूसरा हमको ऐसा लगता है कि वो जो आप चुम्बी चुम्बी खेल में घुस गई थी ना, माई के जहन में वो बात बैठ गई है, इसीलिए तुमसे ये सब करवा रही। कोनो बात नहीं, इसी में खुशी ढूंढ लीजिए। अरे तू कान में खुसुर खुसुर करते रहोगे तो कपड़ा कैसे धोएगी? चलो 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 यहाँ आके बैठो। भाई शादी होने वाली है इनके साथ, समझने की कोशिश तो करिए। सब समझते हैं अब। हाँ, दो दो। हम अपने रघु को सब सिखाए हैं, कैसे कपड़ा धोया जाता है, कैसे खाना बनाया जाता है, अब तुमको भी सिखा देंगे। सच्ची कह रहे हो माई? हाँ तुम भी ना हमको मार मार के आदमी बना दी सही में। अच्छा सबनम भी धीरे धीरे सीखे जाएगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो, इनको भी मार मार के सिखाए? नहीं जरूरत अनुसार। अरे 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 डरो नहीं, डरो नहीं, हम मारे मारेंगे नहीं, वो तो बस मजाक कर रहा है। हमारा रघु बड़ा मजाक करता है। रोशनी, रोशनी बेटा,
रोशनी रोशन, अब इसको अच्छे से खंगार के पानी में ऐसे निचोड़ो। हाँ देखो देखो देखो, हमरा हमरा हाथ का एक्शन देखे ये। हाँ अब ये रघु की माँ भी इस घर में रहेगी। दिस इंटरेस्टिंग, शबनम से काम करवा रही है, नॉट बैड। हाँ जिंदगी सबको बराबर ही तोलती है। हाँ मॉम। हाँ मजा आ रहा है, चीप थ्रिल्स बट दैट साइट इज ब्रिलियंट। आपने तो कहा था आप अपने कपड़े खुद धोती हैं। अरे तो हमें ही तो धोए हैं। मैंने सिद्धार्थ को देखा, खुद देखा, मेरी आंखों के सामने था। उसके पीछे भागी भी, चिल्लाई भी, उसका नाम भी लिया, पर पता नहीं वो भीड़ में एकदम कहां गायब हो गया बेटा। बट यू नो द फैक्ट रिमेन्स कि अब वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। वो जिंदा है, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही था जानना। आज बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है बेटा, सीरियसली आई एम सो रिलैक्स्ड। सच में वो आई एम सो हैप्पी सिद्धार्थ। मेरा सिद्धार्थ, बस इसीलिए इसीलिए आज मैं आपके सामने आया था सासुमा। इन बड़ी बड़ी परेशानियों के बीच में छोटी छोटी उम्मीदें कितना सुकून देते हैं दिल को। इस उम्मीद से दुनिया जीती जा सकती है, और अगर हमारे दिल में हर लम्हा एक नई उम्मीद रहे तो हम भी जीत जाएंगे, चाहे मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो। सही कहा आपने सासुमा, बस कुछ दिन और। कहीं ये रखूं मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल, कैसे पता करूं कि ये सिड है या रघु। अगर वो सिड है तो उसके शरीर पे बुलेट का निशान जरूर होना चाहिए। बुलेट का निशान मिटता तो नहीं, पर उसके बुलेट का निशान देखने के लिए मुझे उसकी शर्ट उतरवानी पड़ेगी। रघु, सबनम जी, क्या कर रही? क्या हुआ रघु, क्यों नहीं छू सकती मैं तुम्हें? कब से तरस रही हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहती, महसूस करना चाहती। सबनम जी, देखिए, अभी थोड़ा ही देर में शादी हो जाएगी ना, कुछ ही दिनों में तो शादी तो हो ही जाएगी। रखो सबनम जी, ये सब देखिए, ये सब हम लोगों के भारतीय लोगों के संस्कार में थोड़ी है कि शादी से पहले ये सब कुछ। कैसी बातें कर रहे हो सबनम जी, समझने की कोशिश करिए। अरे माई यहीं आसपास है, चलिए। नहीं देखिए, तुम उसकी फिक्र मत करो। सबनम जी, देखिए समझने की कोशिश करिए, सभी लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ शादी से पहले ना। सबनम जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझ आप समझ नहीं है, अरे इस अवस्था में हम आज तक अपने खुद के सामने नहीं आए, आपके सामने कहां से। सबनम जी नहीं, देखिए ना, देखिए जब शादी हो जाएगी तब तो सब। रघु शादी होती रहेगी। गीला दिल, गीला। ये
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।